बिहार में नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दलों के साथ हाथ मिलाया। इस नए परिवर्तन से भाजपा के खिलाफ बड़ी विपक्षी एकता की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही जाति सह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर बढ़ी हुई जाति और पिछड़े वर्ग की लामबंदी के माध्यम से राज्य की राजनीति को भी नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश भी की जा सकती है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जाति सह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को तेज गति से आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद से मुकाबला करने की पूरी तैयारी की जा रही है। सर्वे का काम शुरू होने के 45 दिनों में खत्म हो जाएगा। सर्वेक्षण पत्र के प्रारूप में जाति, शैक्षिक योग्यता, आय, संपत्ति और परिवारों की आय के स्रोत से संबंधित बड़ी संख्या में कॉलम होंगे। शीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इस प्रारूप को डीएम के पास भेजा जाएगा और अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रगणक के रूप में किया जाएगा। ये प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से चल रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तैयारियों के आधार पर नवंबर के मध्य से डोर टू डोर सर्वेक्षण अस्थायी रूप से शुरू होगा और फरवरी 2023 की समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि जिला अधिकारियों को पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को जुटाने के लिए कहा गया है। शिक्षकों और संविदा कर्मियों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वालों को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहले से अधिसूचित इस सर्वेक्षण के प्रारूप पत्र में विभिन्न जाति समूहों से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करने के लिए होंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इसमें राज्य के हर घर को कवर किया जाएगा। जाति सह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए एक ऐप बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1990 के दशक में नौकरी में आरक्षण पर बीपी मंडल की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद राजद ने राज्य की राजनीति में उच्च जातियों की पकड़ को कमजोर करने के लिए पिछड़े वर्गों की विशेषकर यादवों और ईबीसी को जुटाने के लिए आक्रामक रूप से सामाजिक न्याय कार्ड खेला। 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में ईबीसी को 20% और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे पंचायतों में ईबीसी के प्रतिनिधियों के उच्च प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि इससे जनता दल यूनाइटेड को सियासी लाभ मिला। नीतीश कुमार ने राज्य के लगभग 26% मतदाताओं वाले ईबीसी के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि एक बार जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों को मिलाने और प्रकाशित होने के बाद राज्य की राजनीति में एक नया मंथन होने जा रहा है। राजद जदयू का एक साथ आना पहले से ही भाजपा के लिए खतरा पैदा कर चुका है। जाति सर्वेक्षण पिछली लामबंदी की मंडल राजनीति को वापस लाएगा। यहां तक कि एनडीए को भी जाति सिद्धांत का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। भाजपा की कट्टर हिंदुत्व विचारधारा और मजबूत राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए बिहार में जाति की राजनीति को बिहार में पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन ये वांछित परिणाम नहीं दे सकता है। हालांकि राजद और जदयू नेताओं को ये लाभकारी लग रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़े न केवल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लोगों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को टिकट आवंटित करने में मार्गदर्शक शक्ति होगी। राजद के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल पार्टी के सामाजिक न्याय कार्ड को मजबूत करने और यादवों और अन्य ओबीसी और कमजोर वर्गों के बीच अपने वोट आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। गुरुवार को महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा जाति सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न कर रही है। यह दर्शाता है कि गरीबों के उत्थान और सामाजिक न्याय के विरोध में राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ राजद के हमले को किस तरह से तेज करने की संभावना है। अतीत में उन्होंने तर्क दिया कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।